नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और ये लाइव क्लिनिक है। तो चलिए लाइव क्लिनिक चालू करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही हो और ऑडियो क्वालिटी अच्छी आ रही हो। जो आप देख पा रहे हो वो अच्छे से देख पा रहे हो, जो सुन पा रहे हो वो अच्छे से सुन पा रहे हो। नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, हर दिन की तरह मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर भी देता हूँ, लेकिन शुरुआत में एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी ज़रूर देता हूँ और उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं उनके मैं आपको आंसर देता हूँ। जो भी मैं मेडिसिन आपको होम्योपैथी की बताता हूँ उसे ज़रूर आप पढ़ें, पढ़ने के बाद ज़रूर समझें और समझने के बाद ही उसका उपयोग करें। और अगर नहीं समझ में आती तो होम्योपैथिक शॉप में जाके समझेंगे तभी आप जब उपयोग करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी होगा कि हाँ, मेडिसिन फ़ायदेमंद है। तो ज़रूर आप पढ़िएगा, समझिएगा और फिर यूज़ करिएगा। चलिए, क्वेश्चन लेने से पहले आज की मेडिसिन। तो आज की मेडिसिन है इपीकॉक, और इपीकॉक होम्योपैथी में ज़्यादातर वोमिटिंग की कंडीशंस में दी जाती है। उल्टी जब आती है या मितली बहुत ज़्यादा आती है, नौजिया बहुत ज़्यादा होता है तो इपीकॉक अच्छी मेडिसिन है। लेकिन अस्थमा में भी इपीकॉक बहुत अच्छी मेडिसिन है। अस्थमा की कंडीशंस में भी इपीकॉक का बहुत अच्छा उपयोग है। इवन मैं लगभग हर दूसरे तीसरे अस्थमा के पेशेंट्स को इपीकॉक ज़रूर देता हूँ। इसके सिम्टम हैं कि आपको बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ होगी और गैस्पिंग होगी, मतलब इस टाइप की गैस्पिंग होगी और सीटी जैसी आवाज़ आएगी, और साथ ही साथ सांस लेने में तकलीफ और खांसी बहुत ज़्यादा आएगा और कफ भी काफ़ी रहेगा, उल्टी जैसा भी लगेगा। अगर ये लक्षण होते हैं तो इपीकॉक बहुत ही बढ़िया दवा है। वीजिंग साउंड इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, प्रोमिनेंट वीजिंग साउंड। अगर आपको सीटी जैसी आवाज़ अस्थमा में आए तो इपीकॉक का उपयोग ज़रूर करें। इपीकॉक 30 CH पोटेंसी में, पिक्चर आपको दिख रही है, इपीकॉक 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह पिएँ, 2 बूंद दोपहर में पिए और 2 बूंद शाम को पिए। ये दवा शुरुआत इतनी अच्छी दवा है ये, और जल्दी असर करती है, क्योंकि अगर ये आपको असर दिखाए कि मतलब ये दवा अगर सही है तो 1-2 दिन में ही आपको आराम लगने लगेगा। और अगर आपको 1-2 दिन में आराम लगने लगता है तो आप मेडिसिन कंटिन्यू करिएगा, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ये इपीकॉक, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो आप इपीकॉक 32 बूंद दिन में 3 बार अस्थमा की कंडीशन में लीजिए, लगभग 1 महीने तक यूज़ करके देखिए, आराम लगे तो इसे 3 से 4 महीने कंटिन्यू करिए। दोस्तों, मैं 2 मिनट में आया, बस आप लोग वेट करिएगा। ये थी मेडिसिन और बस 2 मिनट में मैं आया और आप वेट करिएगा। क्या घर में कोई आए हैं? और शायद घर पे कोई नहीं है तो मुझे ही जाना पड़ेगा।
तो दोस्तों मैं थोड़ा सा घर में एक मेहमान आ गए थे बाहर से और उनके पास मेरे को जाना पड़ा, घर पे कोई नहीं है, गेट बंद था इसलिए। चलिए अब आपके क्वेश्चंस लेते हैं। ये थी मेडिसिन और मेडिसिन को करते हैं डिलीट और आपके क्वेश्चंस लेना चालू करते हैं फटाफट से। तो आज थोड़ा सा बीच में जो है, हाँ चलिए, चैट ऑप्शन ऑन हो गया और यहाँ पर भी हम ऑन करते हैं अपना चैट ऑप्शन। हो गया और बढ़िया, ऑडियो वीडियो अच्छा चल रहा है। चलिए एनालिसिस चलते हैं और लगभग अभी 88-89 लोग देख रहे हैं, लाइक थोड़े से कम है लेकिन लाइक जल्दी से बढ़ जाएंगे। फटाफट से आप क्वेश्चन करिए और मैं आपको आंसर दूंगा और साथ में लाइक ज़रूर करिएगा। एक सवाल है और क्वेश्चन आप दो तरह से कर सकते हैं, अगर बहुत जल्दी हो तो सुपर चैट कर लीजिए, आराम से हो तो आप नॉर्मल चैट करिए। एक सवाल है सर, हेड में लाइन बाय लाइन हेयर फॉल हो रहा है, देखिए इसके लिए आप मेरा क्लार्क हेयर कॉम्बिनेशन, क्या नाम है, जी के क्वेश्चन, जी का सवाल है। देखिए क्लार्क हेयर कॉम्बिनेशन दो बूंद सुबह दोपहर शाम पीजिए और साथ ही साथ जेबोरेंडी मदर टिंचर लगाएं एक बार, बहुत ही बढ़िया दवा है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच जी के जी फॉर योर क्वेश्चन। एक सवाल है फैजान शेख जी का, डॉक्टर ने आल टेस्ट किया, टेस्ट नॉर्मल है, एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन, मैं कल भी आपको आंसर दे चुका हूँ और इसके पहले भी बहुत बार मैंने आंसर दिया है आपको। डाइट में थोड़ा सा चेंज करिए, थोड़ा सा आप दही और पपीता खाइए और साथ में एक लग्जेटिव होम्योलैक्स टैबलेट एक गोली रात में ज़रूर लीजिए और साथ में आप एलुमिना 200 दो बूंद सुबह सुबह, ब्रायनिया 200 दो बूंद सुबह सुबह, प्लम्बम मेटेलिकम 200 दो बूंद रात में ज़रूर यूज़ करिएगा। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आरिफ फनी जी का सवाल है, हेलो सर, मेरी बेटी की एज लगभग 14 ईयर है और पीरियड्स लगभग 20 से 25 दिन तक होता है, अल्ट्रासाउंड कराया, लेफ्ट साइड सिस्टर की प्रॉब्लम है। देखिए लेफ्ट साइड सिस्ट अगर है और पीसीओडी की उनको प्रॉब्लम है तो मोस्टली पीसीओडी पे मेरा वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। पीसीओडी में मोस्टली ऑरम म्यूर नेटोनेटम 3x ट्राइचुरेशन टैबलेट में दो गोली सुबह दोपहर शाम देने से काफ़ी आराम लगता है, साथ में 200 दो बूंद सुबह सुबह दीजिए और कैल्केरिया फ्लोर 6x पोटेंसी में 6 गोली सुबह दोपहर शाम दीजिए। ये दवा आप एक महीने तक दीजिए, आराम लगे तो इसे 3 से 4 महीने कंटिन्यू करें, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ने ऑल टेस्ट, इसका मैं आपको आंसर दे चुका हूँ। एक सवाल है सर, एक सवाल है मनोज जी का, सर आई एम 18 ईयर ओल्ड, माई प्रॉब्लम इज हेयर फॉलिंग सिंपल, मे आई यूज़ लाइकोपोडियम, इफ़ योर सिम्टम इज मैच बाय लाइकोपोडियम तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके सिम्टम्स लाइकोपोडियम से मैच करें मिले तो ज़रूर आप लाइकोपोडियम यूज़ करें। एक सवाल है, नहीं तो आप क्लार्क हेयर कॉम्बिनेशन यूज़ कर लीजिए। एक सवाल है और सवाल है आशुतोष पांडे जी का, सर कैन आई यूज़ क्लार्क फॉर्मूला 2 लगभग 3 ड्रॉप्स TDS एंड DST ब्लॉकर लोकल एप्लीकेशन फार्मूला एंड जबरेंडी 6CH एंड R89। देखिए सिंपली आप क्लार्क हेयर कॉम्बिनेशन और DST ब्लॉकर कॉम्बिनेशन, ये दो कॉम्बिनेशन ही लेंगे तो सफिशियंट है और आपको ज़रूर आराम लगेगा। तो एक सवाल है और ये सवाल है सर, गठिया रोग क्या होता है प्लीज़ बताएं। देखिए गठिया अगर है तो यूरिक एसिड बढ़ा होगा, तो अब जब ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आपका ब्लड यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आना चाहिए। यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है ब्लड में तो वो हमारे जॉइंट्स में जाके क्रिस्टलाइज फॉर्म पे जो है वहाँ पर जाके जम जाता है सिंपल भाषा में, और जब वो जम जाता है तो उसके आसपास इन्फ्लामेशन होता है और जब इन्फ्लामेशन मतलब सूजन होती है तो दर्द भी होता है, तो मोस्टली यही होता है। यूरिक एसिड को कम करना होगा और यूरिक एसिड को कम करने के लिए मोस्टली अर्टिका यूरिनस मदर टिंचर, रक्स टॉक्स मदर टिंचर और एसिड बेंजोइक 200 और एसिड यूरिकम 30 ऐसी मेडिसिन ज़रूर फ़ायदा करती हैं होम्योपैथी की। एक सवाल है और
ये सवाल है, सवाल देखते हैं, अब लगभग 130 लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा कम लोग देख रहे हैं, लेकिन बीच में मैं गायब भी हो गया था। और सवाल है सर, मेडिसिन फॉर इम्प्रूव आई साइड और विजन। देखिए, आई साइड और विजन को इम्प्रूव करना है तो आपको सिनेरिया मैरिटिम आई ड्रॉप विदाउट एल्कोहल वाली डॉक्टर रेक्वेक की आँखों में डालनी पड़ेगी, और ये मिलने लगी है अब। तो दो बूंद आँखों में दिन में दो बार डालें, और साथ ही साथ आप एक मेडिसिन ज़रूर यूज़ करें, और वो मेडिसिन है कैल्केडिया फॉस। आप 6 एक्सपोटेंसी में 6 गोली सुबह सुबह लें, और फिर भी आई साइड आपकी कमज़ोर है तो फाइसोस्टिग्मा 200 दो बूंद शाम को यूज़ करें। ये दवा एक महीने तक लीजिए, आराम लगे तो इसे 3 से 4 महीने कंटिन्यू करें। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है सर, हाउ कैन आई रिसीव, क्या लिखा हुआ है, रिवर्स मेल पैटर्न बालनेस। ठीक है, हर क्वेश्चन लगभग वैसे ही आ रहे हैं फिर हेयर फॉल से रिलेटेड। तो क्लार्क हेयर कॉम्बिनेशन दो बूंद सुबह दोपहर शाम पिए, और जैबोरेंडी मदर टिंचर सुबह शाम लगाएं। एक सवाल है, और सवाल है गांजा का एडिक्शन है के लिए दवा बताएं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि गांजा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। अगर आप ये समझ लेते हैं तो अपने आप ही एडिक्शन आप से छोड़ देंगे। अगर आपको फिर भी नहीं छोड़ा जा रहा है तो आप नक्सवोमिका 200 दो बूंद शाम को लें, और सल्फा 200 दो बूंद सुबह सुबह। ये दवा आप एक महीने तक लीजिए, फ़ायदा करे तो इसे कंटिन्यू करें, 2-3 महीने तक आपको ज़रूर आराम लगेगा। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है, और सवाल है सर, मेरी 5 ईयर की बेटी है, और वेट जो है वो 13 kg रहता है, अस्थमा प्रॉब्लम है उसको, प्लीज़ उपाय बताएँ। देखिए, 5 साल की बेटी है, थोड़ा सा अस्थमा है उसे, तो आप उन्हें बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 दीजिए, लगभग 3 गोली दिन में 3 बार। साथ में उन्हें आप डॉक्टर रेक्वेक की R43 ड्रॉप दीजिए, लगभग 10 बूंद 1 चम्मच पानी में दिन में 2 बार। तो ये दोनों दवा आप लगभग 1 महीने तक दीजिए, फ़ायदा करे तो फिर आप इसे 1 से 2 साल कंटिन्यू करें, और अस्थमा ठीक हो जाएगा। और अस्थमा ठीक हो गया तो उसकी उनका वेट अपने आप बढ़ जाएगा। तो वेट गेन करने के लिए अलग से मेडिसिन बताऊँगा तो अस्थमा की दवा में इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसलिए मैंने बताई नहीं है। सिर्फ अस्थमा ठीक करने की कोशिश करिए, अगर अस्थमा ठीक हुआ सब कुछ ठीक है, अगर अस्थमा ठीक नहीं है तो बच्ची फिर बड़ी होगी फिर वही अस्थमा हमेशा, तो वो सही नहीं है। तो अभी से ही अस्थमा ठीक करने की कोशिश करिए, और दवा ज़रूर दीजिएगा। बायो कॉम्बिनेशन 2 नंबर बहुत सेफ और इफ़ेक्टिव दवा है अस्थमा के लिए, खासकर बच्चों को अगर अस्थमा हो तो ज़रूर ये दवा देना चाहिए, और लंबे समय तक देना चाहिए। एक सवाल है सर, आई फ्लोटर और मायोपिया के लिए कोई मेडिसिन बताएं। देखिए, सिनेगा मदर टिंचर लगभग 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार ज़रूर देना चाहिए, और साथ ही साथ सिनेगा मदर टिंचर के साथ रूटा 200 दो बूंद सुबह शाम दीजिए, आर्निका 200 दो बूंद सुबह सुबह ज़रूर यूज़ करें, और लैकेसिस 200 दो बूंद सुबह सुबह, लेकिन हर संडे और वेनेसडे को आँखों में डालने के लिए सिनेरिया मैरिटिम आई ड्रॉप आँखों में सुबह शाम डालें, 2-2 बूंद। बहुत ही बढ़िया दवा है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फरजान जी का सवाल है सर, R22 कालीफॉस 6X एकोनाइट रेस्क्यू एमडी और जेलसीमियम अर्जेंटम नाइट्रिकम, ये सब मेडिसिन एक साथ लेने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए, एक साथ का मतलब ये है कि कम से कम आप 10 से 15 मिनट का अंतर ज़रूर दें सभी मेडिसिन में, जिससे फ़ायदा हो, नहीं तो फिर आप एक साथ लेंगे तो आपको किसी भी दवा का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो जब भी आप मेडिसिन होम्योपैथी के लें थोड़ा सा अंतर दें तो आपको फ़ायदा भी होगा और कोई दिक्कत नहीं। हालांकि वैसे कोई मेडिसिन दिक्कत नहीं है, लेकिन अर्जेंटम नाइट्रिकम जो है वो आप सप्ताह में एक बार लीजिएगा, क्योंकि वो डीप एक्टिंग दवा है, और सप्ताह में एक बार लेंगे तो उसका फ़ायदा होगा, अगर आप डेली लेंगे तो फ़ायदा नहीं करेगी। एक सवाल है सर, आई फ्लोटर आंसर ये हिम एक सुपर चैट है रूपल जी की तरफ से विदाउट क्वेश्चन, और एक सुपर चैट है हिमांशु कुमार जी की तरफ से विदाउट क्वेश्चन। दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट करने के लिए, और क्या कहते हैं, सपोर्ट करने के लिए। हालांकि एक सुपर चैट करें तो ज़रूर आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर लिखें, मुझे यहाँ पर आपका क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। एक सवाल है सर, मुझे थोड़ी
करने, थोड़ा सा भी काम करने में एनर्जी लेस हो जाती है और नींद जैसा लगता है, कोई काम करने में मन नहीं लगता है। देखिए, आपको एसिड फॉस यूज़ करना चाहिए। एसिड फॉस 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करें, और एसिड फॉस ही आप एसिड फॉस 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करें, और साथ में आप अल्फ़ा टॉनिक एक ढक्कन सुबह शाम पिए। ये मेडिसिन आप 15 दिन तक लें, आराम लगे तो इसे 1 महीने 2 महीने कंटिन्यू करें और ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अश्वगंधा, डैमियाना, जिनसेंग और निफर ल्यूटियम को मिक्स करके ले सकते हैं। हाँ, एक सवाल है, और ये देव जी का सवाल था। एक सवाल है सुभाषी साहू जी का, सर MRI इम्प्रेशन बायलेटरल फेस्टिक ज्वाइंट हाइपरट्रॉफी एट द लंबर लीवर कजिंग नैरोइंग ऑफ नेचुरल हॉर्मोन L4, L5, L5S1 लेवल। देखिए, मुझे लगता है कि मोस्टली आर्निका 200 दो बूंद सुबह शाम, और साथ में रूटा 200 दो बूंद सुबह शाम, और हाइपेरिकम 200 दो बूंद शाम को ज़रूर लीजिए, और साथ में होम्योकैल टैबलेट 2 गोली सुबह दोपहर शाम ज़रूर चूसें। ये दवा आप 1 महीने तक लीजिए, आराम लगे तो फिर इसे 3 से 4 महीने कंटिन्यू करें, और दवा में कम से कम 15-20 मिनट का अंतर ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है, और चेहरे के लकवे के लिए भी कोई दवा बता दीजिए। देखिए, अगर फेशियल पैरालिसिस हुआ है तो फेशियल पैरालिसिस में कॉस्टिकम बहुत अच्छी दवा है, और कॉस्टिकम आप 200 पोटेंसी में 2 बूंद शाम को यूज़ करें, और साथ ही साथ आप कालीफॉस 6x पोटेंसी में 6 गोली सुबह दोपहर शाम यूज़ करें। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक लीजिए, आराम लगे तो इसे 3 से 4 महीने कंटिन्यू करें। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है, और ये सवाल है सर, रेक्टल ईस्ट इन्फेक्शन के लिए क्या मेडिसिन, क्वेश्चन पूरा निकल गया। एक सवाल है सर, प्रोटीन भी नहीं लेते हैं, हाई फाइबर डाइट लेते हैं, बाद भी कॉन्स्टिपेशन होता है। देखिए, जो मैंने आपको बताया है वही आप करके देखिए, आपको ज़रूर आराम लगेगा। एक सवाल है, और सर मेरी बेटी है और लगभग 5 साल और 2.5 साल की, बार बार उसे जो है वो प्रॉब्लम होती है। क्या होती है प्रॉब्लम भी चलो निकल गया। होम्योपैथिक लवर जी का सवाल है, सर मैंने एक पेशेंट को, CKD पेशेंट है, उनको एलसीरम 7X और काली नाइट्रिकम दिया था, लेकिन यह मेडिसिन देने के बाद उनका हिकअप्स हो गया है बहुत, अब क्या करें। देखिए, सबसे पहले ये जो दोनों दवा है उसको थोड़ा सा पानी के साथ देना चाहिए। हिकअप्स जो उनको हो रहे हैं, तो सबसे पहले उनका क्रिएटिनिन और यूरिया चेक कराइए कितना है। अगर बहुत ही ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा मतलब क्रिएटिनिन लगभग मान लीजिए कि 7 से ज़्यादा है, और यूरिया मान लीजिए कि लगभग 40-50 या 100 से भी ज़्यादा, 80-90 तक रहता है, तो उन्हें डायलिसिस कराना हो सकता है। हिकअप्स जो आ रहे हैं उसके लिए उन्हें नक्सवोमिका 200 दो बूंद सुबह शाम दे दीजिए, और साथ में मैकफॉस 6 CH पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार ज़रूर दीजिए। काली नाइट्रिकम और एलसीरम के कारण शायद नहीं होगा, मोस्टली ये उनका यूरिया क्रिएटिनिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा होगा इसके कारण होगा, तो वो चीज़ ज़रूर एक बार चेक करा लीजिएगा। एक सवाल है, और ये सवाल है सर, सर न्यू वीडियो फॉर द यूरेथल स्ट्रक्चर। देखिए, यूरेथल स्ट्रक्चर पे नया वीडियो ज़रूर आ जाएगा, हालांकि जो पुराना वीडियो है वही देख के काफ़ी लोग ठीक हुए, तो वो दवा काफ़ी फ़ायदेमंद है। एक सवाल है, और ये सवाल है सर, ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए कोई दवा बताएं। देखिए, ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए कहाँ पर, इंटरनल ब्लड क्लॉटिंग की एक्सटर्नल ब्लड क्लॉटिंग, इंटरनल ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए आर्निका का अच्छी दवा है। एक सवाल है, और ये सवाल है, रेक्टल ईस्ट इन्फेक्शन आंसर दे चुका हूँ, और आप लोग लगभग 123-140 लोग देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लेकिन लाइक थोड़े से कम है, 89 लाइक हैं, तो लाइक ज़रूर करिएगा।
और नेज़ल पॉलिप है, मुझे देखिए नेज़ल पॉलिप की अगर प्रॉब्लम है तो लैमना माइनर बहुत ही बढ़िया दवा होती है। लैमना माइनर आप 200 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह सुबह यूज़ करें, और साथ में कैल्केरिया फ्लोर 6x पोटेंसी में 6 गोली सुबह दोपहर शाम यूज़ करें, और साथ में आप एक मेडिसिन TMV30 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करें। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक लीजिए, बहुत ही इफेक्टिव दवा है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर वीकनेस बहुत ज़्यादा है, देखिए वीकनेस अगर आपको बहुत ज़्यादा रहती है तो आप मोस्टली लाइकोपोडियम मदर टिंचर, अश्वगंधा मदर टिंचर, ये SM360G का सवाल है, लाइकोपोडियम मदर टिंचर, अश्वगंधा मदर टिंचर, डैमियाना मदर टिंचर और जिनसेंग मदर टिंचर, ये चारों को आप मिला लीजिए। मिलाने के बाद 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करिए, साथ में लाइकोपोडियम 200 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह शाम यूज़ करिए। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक लीजिए, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल है, और ये सवाल है सर मेरा, सर एसिड क्रीम क्वेश्चन निकल गया, और सवाल है सर कॉन्स्टिपेशन में से पिंपल्स हो रहे हैं, आपको लगभग सेम ही दवा लेनी है। एक सवाल है, और सवाल है सर 20 साल क्वेश्चन निकल गया सर एनजाइटी, इसके पहले एक सुपर चैट है, और वो सुपर चैट है रूपल जी की तरफ से। सर मेरी 2 साल से R89 ले रही थी, मेरा हेयर फॉल कंट्रोल में था, लेकिन लगभग 3 महीने पहले मुझे कोविड हुआ और हेयर फॉल चालू हो गया, क्या करूं सर R89 काम क्या करूं कि R89 काम करे। देखिए मुझे लगता है आप R89 कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन साथ में मेरा पुराना वाला वीडियो एक क्लार्क हेयर कॉम्बिनेशन पे है, आपने ज़रूर देखा होगा, और ज़रूर वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो देखिए, और देखा है तो फिर से देख लीजिए, और उसकी मेडिसिन आप लिख लीजिए, मंगा लीजिए, मंगा के मिला लीजिए, और मिलाने के बाद 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करिए। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो आप हेयर केयर फॉलिंग टैबलेट आती है, मैंने वीडियो अपलोड किया है उसका भी, वो भी बहुत बढ़िया टैबलेट है, और लगभग कॉम्बिनेशन क्लार्क हेयर कॉम्बिनेशन जैसा ही है उसका, तो वो अगर मिल जाती है तो 2 गोली दिन में 3 बार चूसिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सुपर चैट करने के लिए भी रूपल जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है, और ये सवाल है सर मेरी उम्र लगभग 21, चलिए निकल गया क्वेश्चन निकल जाते हैं, हाँ मेरी उम्र लगभग 21 है और मुझे काफ़ी सालों से साइनस की प्रॉब्लम है और सांस भी फूलती है। देखिए आपकी साइनस की प्रॉब्लम है, आपको सांस भी काफ़ी फूल रही है, तो एरेलिया रेसिमोसा 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह शाम यूज़ करके देखिए, साथ में मेरा नीमा कॉम्बिनेशन 2 बूंद सुबह दोपहर शाम लीजिए, और हिस्टामिनम 200 CH पोटेंसी में 2 बूंद रात में यूज़ करिए। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक लीजिए, आराम लगे तो इसे 3 से 4 महीने कंटिन्यू करें, बहुत ही बढ़िया दवा है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है, मेरी बेटी है निकल गया सर एंजाइटी ट्रेमर के लिए क्या सही दवा है। देखिए एंजाइटी के कारण अगर थरथराहट होती है तो रेस्क्यू रेमडी और जेलसीमियम, ये दोनों ही दवा सॉरी रेस्क्यू रेमडी और जेलसीमियम, ये दोनों ही दवा बहुत अच्छी हैं, और दोनों ही दवा 2-2 बूंद दिन में 3 बार यूज़ करना चाहिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आर्या जी का सवाल है, सर मैंने कालीब्रोम 30 का यूज़ एक्ने पिंपल्स के लिए किया, पर उसे और भी पिंपल्स पूरे फेस पे हो गए हैं। देखिए कालीब्रोम के कारण अगर पिंपल्स ज़्यादा पड़ रहे हैं तो आप उसे बंद करके नक्सफोमिका 200 2 बूंद रात में लीजिए, पायरोजेनम 200 2 बूंद शाम को पीजिए, और एक्यू प्लस फेस वॉश से दिन में 3 से 4 बार चेहरा धोइए, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है सर, मेरी अंकल की एज लगभग 62
ईयर्स है और उनको यूटीआई की प्रॉब्लम रहती है, पसल आना आता रहता है, यूरिन में जलन भी रहती है, एंटीबायोटिक भी यूज़ कर चुके हैं बहुत सारी। ये सवाल है कुंदा जी के तरफ से। देखिए मोस्टली उन्हें आप मेरा युवा यूरिन इन्फेक्शन कॉम्बिनेशन वाला वीडियो का अगर वो कॉम्बिनेशन दे सकें तो 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार दीजिएगा। अगर वो कॉम्बिनेशन आप नहीं बना पाते हैं तो सिंपली उन्हें R18 ड्रॉप 10 बूंद 1 चम्मच पानी में दिन में 3 बार दीजिए और कैंथेरिस 200 2 बूंद रात में दीजिए और R1 ड्रॉप भी 10 बूंद 1 चम्मच पानी में दिन में 3 बार दीजिए। तो R18 और R1 और कैंथेरिस ये दवा देने से 1 महीने में उन्हें काफ़ी आराम लगेगा और फिर वो दवा लगभग 3 से 4 महीने कंटिन्यू करेंगे तो धीरे धीरे समस्या ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक सवाल है सर, नाक बार बार बंद होती है और पिछले साल से परेशान हूँ, नेज़ल ड्रॉप डालने से नाक खुल जाता है लेकिन फिर भी बार बार बंद हो जाता है, आप लेमनामाइनर 200 तो बूंद सुबह शाम यूज़ करें। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक लीजिए, आराम लगे तो इसे 2 से 3 महीने लीजिए और आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर काइंडली नींद की मेडिसिन बताएं। देखिए नींद अगर नहीं आ रही हो तो पैसिफ्लोरा मदर टिंचर लगभग 30 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करें, कालीफॉस 6x 6 गोली सुबह दोपहर शाम यूज़ करें और रेस्क्यू रेमेडी 30 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करें। ये दवा 1 महीने तक यूज़ करें, आराम लगे तो इसे 3 से 4 महीने कंटिन्यू करें, बहुत ही बढ़िया दवा है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है, हेलो सर मैं मेल जो हैं एज 28 है, क्रॉनिक मेलाज्मा के लिए मेलेक्स और बर्बेरिस एक्वाफोलियम दोनों 1 मंथ से ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं, 1 मंथ अगर ले लीजिए आराम लगे तो मेडिसिन फिर कंटिन्यू करिएगा। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगभग अभी 130-140 लोग देख रहे हैं और लाइक अभी 120 हुए हैं तो थोड़े से आज लाइक कम है, हालांकि लोग भी कम देख रहे हैं लेकिन फिर भी आप लोग जितने लोग देख रहे हैं आप सबसे ये गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हालांकि सब्सक्राइब तो आप कर ही लिया होगा, नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ और लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ, तो इतना ज़रूर करिएगा। एक सवाल है और ये सवाल है सर काइंडली नींद की, इसका मैं आपको आंसर दे चुका हूँ सर। पेट में इन्फेक्शन है और सर लूज़ मोशन होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता। देखिए लिफ्टी सिरप खाना खाने के बाद 1 ढक्कन सुबह शाम पिए और साथ में मर्क सॉल्ट 30 2 बूंद सुबह सुबह लें, आर्सेनिक एल्बम 30 2 बूंद रात में लें और पोडोफाइलम 30 2 बूंद सुबह शाम। ये दवा 10 दिन तक लीजिए और ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है और ये सवाल है सर, लेक्सो येलो टैबलेट से पेट साफ़ नहीं हो रहा है। देखिए मैंने आपको जो दवा बताई है वो दवा आप यूज़ करके देखिए, आपको आराम लगेगा। एक सवाल है और ये सवाल है, हेलो सर आई एम 34 ईयर ओल्ड फ्रॉम डायबिटिक पेशेंट एंड IBS के ट्रीटमेंट बता दें। देखिए IBS में आपको वहाँ पर मुझे लगता है कि नक्स भूमिका मिलेगी, नक्स भूमिका 200 दो बूंद शाम को यूज़ करें और हाइड्रस्टिस मदर टिंचर लगभग 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करें। फहाद अली जी आपको वहाँ पर ये 2 दवा मिल जाएगी। एक सवाल है सर काइंडली नींद की मेडिसिन आंसर दे चुका हूँ, सर पिगमेंटेशन की दवा बताएं। देखिए पिगमेंटेशन अगर हो गया है तो कुमारी जी का सवाल है, देखिए पिगमेंटेशन के लिए बर्बेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर दिन में 2 से 3 बार लगाएं और साथ में कोपाइवा ऑफिस एनालिस 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह शाम पिए और चाइना 30 2 बूंद शाम को पिए। ये दवा आप 1 महीने तक लीजिए, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सर मेरी एज लगभग 30 ईयर है और मेरा L4 L5 S1 में डिफ्यूज डिस्क बल्जिंग है और लोअर बैक बहुत ज़्यादा पेन होता है, कुछ काम नहीं करता है,
देखिए मुझे लगता है कि आपको L4, L5 और S1 में प्रॉब्लम है, तो आर्निका 200 तो उन सुबह शाम यूज़ करें, रूटा 200 तो उन सुबह शाम यूज़ करें, और साथ में आप आर्निका मदर टेंचर, रूटा मदर टेंचर और कोलोसिंथ मदर टेंचर, ये तीनों को मिला के 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार पिए। ये दवा आप 1 महीने तक लीजिए, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है सर, मेल क्रॉनिक मेलाज्मा के लिए मेलेक्स या और बर्बेरिस एक्वाफोलियम दोनों एक साथ ले सकते हैं क्या? बिल्कुल आप ले सकते हैं। और एक लास्ट सवाल ले लेता हूँ और फिर उसके बाद आप सभी से अलविदा, कल फिर मिलेंगे और लाइव में। हालांकि आज मेरा एक और वीडियो भी आएगा, तो शाम को ज़रूर वो वीडियो देखिएगा, काफ़ी बढ़िया टॉपिक रहेगा आज के वीडियो का, मज़ा आएगा आपको देख के। और हालांकि सवाल है सर, फाइब्रॉइड है यूट्रस में, और यूट्रस यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए मोस्टली जो मेडिसिन है परवीन जी, यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए मोस्टली जो मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए वो मेडिसिन थूजा 200 दोपहर सुबह सुबह यूज़ करना चाहिए, कैलकेरिया फ्लोर 6 गोली सुबह दोपहर शाम यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ फ्रैक्सिनस अमेरिकाना मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक यूज़ करके देखें, आराम लगे तो इसे 3 से 4 महीने कंटिन्यू करें, बहुत ही बढ़िया इफेक्टिव दवा है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो दोस्तों आज का लाइव सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और लाइक थोड़े से कम है तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।